राधे राधे। ओके, तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज वुमेंस डे है, और जितनी भी लड़कियां मुझे आज सुन रही है, मेरी उन सबसे गुजारिश है कि आज घर जाकर अपनी माँ को एक बार हक करके थैंक यू ज़रूर बोलें, क्योंकि मेरी जो आज की पोइट्री है वो सुनने के बाद शायद आप लोगों को ये एहसास होगा कि आप लोग कितने खुश नसीब हैं। तो मेरी पोइट्री कुछ यूँ है कि महफूज थी तेरी कोख में माँ, जब पता न था कि बेटी है। महफूज थी तेरी कोख में माँ, जब पता न था कि बेटी हूँ। जब आँख खुली इस दुनिया में तो कचरे के ढेर पर लेटी हूँ। पूरे 9 महीने तेरी कोख में माँ, मैंने बाहर आने का इंतज़ार किया। यूँ फेंकना ही था मुझको तो तूने कोख में ही क्यों ना मार दिया। माना तूने मुझे जन्म दिया, माना तूने मुझे जन्म दिया, पर माँ तू भी तो एक बेटी है, फिर मैं क्यों ऐसे कचरे में और तू मखमल पर लेटी है। क्या पता यहाँ मर जाऊंगी या कोई मुझे उठाएगा, क्या पता यहाँ मर जाऊंगी या कोई मुझे उठाएगा, भेजेगा स्कूल में पढ़ने या कोई धंधे पर बिठाएगा। इंच इंच आबरू मेरी बाजार में नोची जाएगी, हवस मिटाएगा वो अपनी जिसकी बोली ऊंची जाएगी। मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी, किसी का क्या बिगड़ेगा, शायद फिर एक मासूम का बचपन जिस्म की मंडी में गुजरेगा। कोई सिगरेट से दागेगा मुझको, कोई जूते से रौंद कर जाएगा, ये जिस्म के भूखे जिस्म को मेरी नोच नोच के खाएगा। कुछ बाल पकड़ के खींचेंगे, कुछ छाती पे घाव लगाएंगे, कब किसकी बारी आएगी मुझ पे भी दाव लगाएंगे। कुछ पल भर को हम बिस्तर होंगे कुछ पूरी रात बिताएंगे, वो दर्द का आलम मुझको माँ तेरी ही याद दिलाएंगे। नंगे बदन छुएंगे मुझको खूंटियों पर कपड़े होंगे, वो घाव लगाने वालों में भी शायद मेरे ही कुछ अपने होंगे। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं माँ आखिर तेरी भी कोई मजबूरी होगी, पर क्या करेगी उस पल तू जब अगली बार भी छोरी होगी। मैंने सबको कहते सुना है माँ मैं बेटा बनकर आ जाती, बेटी होना मैंने खुद ही कहाँ चुना है माँ। चल जाते जाते तुझसे मैं एक वादा करके जाऊंगी माँ, अगर अगली बार जन्म लिया तो बेटा बनकर आऊंगी। थैंक यू।